बोलना चाहती हूँ। प्रत्येक मनुष्य के लिए ईश्वर की उपासना करना अनिवार्य कर्म है। ठीक इसी प्रकार से अग्निहोत्र अर्थात देव यज्ञ करना भी आवश्यक और अनिवार्य अर्थात तृतीय कर्म है। इसकी अनिवार्यता का गीता में उल्लेख करते हुए महर्षि वेदव्यास ने लिखा है कि जो व्यक्ति बिना यज्ञ किए अन्न खाता है और पाप खाता है भून जाते थे तो दम पाप ये पचंती आत्मा खाना अर्थात प्रत्येक मनुष्य को यज्ञ करके ही भोजन करना चाहिए। चाणक्य ने तो यहाँ तक लिखा है कि जिस घर में यज्ञ नहीं होता है वह घर स्मशान के तुल्य है। स्मशानी तुल्यानी गृहानी तानी महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा है कि जो व्यक्ति स्वर्ग जैसा सुख चाहता है उसे यज्ञ करना चाहिए। स्वर्ग कामो यजेत यज्ञ की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि में लिखा है कि सब मनुष्य को सब मंगल कार्य में अपने और पराय कल्याण के लिए यज्ञ द्वारा ईश्वर की उपासना करनी चाहिए। यज्ञ की महिमा और अनिवार्यता का ऋषि मुनियों ने इसीलिए उल्लेख किया है कि हम अपने शरीर के मन मूत्र श्वास प्रश्वास आदि के द्वारा प्राकृतिक पर्यावरण को दूषित करते हैं, उसको शुद्ध और साफ करना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। उसी प्रकार परमात्मा के बना हुए संसार को अपने द्वारा जितना गंदा करते हैं, उसको शुद्ध और साफ करना भी हमारा नैतिक कर्तव्य है। कपड़े को साबुन से धोकर साफ किया जाता है। ठीक इसी प्रकार परमात्मा के बनाए हुए संसार को अग्नि में दुर्गंध को दूर करने वाले रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने वाली औषधियों को तथा पुष्टिकारक और मिश्र पदार्थ को डालकर यज्ञ किया जाता है। आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ी वैद्य का क्लब पाइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। साथियों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।